हे एवरीवन, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन वेज कुकिंग। सो गाइज, आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार। ये बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये रेसिपी 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और आप इसे साल भर तक एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे तेल में बना रहे हैं तो ये अचार साल भर तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हरी मिर्च का अचार बनाना। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम हरी मिर्ची ली है। इनको मैंने अच्छे से धो के इनका पानी सुखा लिया है। मिर्ची में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और मैंने इनका डंठल अलग कर दिया है। अब हम इसे काट लेते हैं। तो काटने के लिए मैं यहाँ पे बीच में से चीरा लगा रही हूँ और फिर इनको एक एक इंच के टुकड़ों में काट रही हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार इनका साइज़ आप काट सकते हैं, आपको जैसे भी पसंद हो। मैं यहाँ पे चीरा लगा के और एक एक इंच के टुकड़ों में काट रही हूँ। उससे क्या होगा कि मसाले अंदर तक चले जाते हैं। और यहाँ मैंने मीडियम स्पाइसी हरी मिर्ची ली है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो हरी मिर्ची ले सकते हैं। तो चलिए, सारी मिर्ची हमने काट के रेडी कर ली है और ये मिर्च हमारी रेडी हो चुकी है। अचार बनाने के लिए आधा कप मैंने सरसों का तेल लिया है, एक बड़ा चम्मच या मेथी दाना लिया है, एक बड़ा चम्मच लिया है मैंने सौंफ, एक छोटा चम्मच या मैंने जीरा लिया है और एक बड़ा चम्मच लिया है मैंने साबुत धनिया, राई लिया है मैंने दो बड़े चम्मच, आप इसकी जगह सरसों भी ले सकते हैं, नमक लीजिए आप स्वाद के अनुसार, यहाँ मैं तीन छोटे चम्मच ले रही हूँ, हल्दी पाउडर लिया मैंने आधा छोटा चम्मच, अमचूर पाउडर एक बड़ा चम्मच लिया है मैंने और लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने एक छोटा चम्मच। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और 1/4 टीस्पून यहाँ मैंने हींग लिया है। और अब एक पैन को हल्का गर्म करके हम उसमें मेथी, राई, जीरा भी डाल देंगे, सौंफ भी डाल देंगे और जो साबुत धनिया था वो भी डाल देंगे। और अब हम इन्हें 2 से 3 मिनट तक हल्का सा भून लेंगे। बेसिकली हमें इनका मॉइस्चर दूर करना है और मसालों को ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें सिर्फ इनको 2 से 3 मिनट तक हल्का सा रोस्ट करना है। ज़्यादा भूनने से मसाले कड़वे हो जाएंगे, तो आप इनको हल्का सा भून लें। तो मसाले हमारे भून चुके हैं और इनको हल्का सा ठंडा होने के बाद अब हम इनका पाउडर बना लेंगे। तो एक मिक्सी जार में मैं पीस लूँगी और ये देखिए, हमें इनका बारीक पाउडर नहीं बनाना है, एकदम हल्का दरदरा सा पीसना है। ये देखिए, एकदम दरदरा मैंने पीस लिया है। और अब जो हमने तेल लिया था उसको एक पैन में या फिर आप तड़का पैन में अच्छे से गर्म कर लें। तो जो सरसों तेल में कड़वापन होता है वो हमें दूर करना है। अगर आपको सरसों के तेल का तीखापन पसंद है तो आप बिना गर्म किए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गर्म कर रही हूँ। और ये देखिए, तेल में से धुआं निकलने लगी है, तो हम गैस को बंद कर देंगे और अब इस तेल को ठंडा होने देंगे। और ये देखिए, तेल ठंडा हो चुका है, तो अब हम इस तेल को एक बोल में ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, तेल हल्का सा गुनगुना है, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। और अब हम इस तेल में सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने हींग ऐड कर दी है और जो हल्दी पाउडर लिया था वो भी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे। और अगर आपकी हरी मिर्च स्पाइसी है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अमचूर पाउडर भी डाल देंगे और एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और जो हमने मसाला पीसा था वो भी ऐड कर देंगे और नमक भी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें हरी मिर्च कटी हुई जो हमने रखी थी वो भी ऐड कर देंगे और हरी मिर्च को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। तो हमें तेल को और मसालों को अच्छे से हरी मिर्च में मिक्स कर लेना है। और ये लीजिए, हमारा इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार एकदम रेडी है। तो ये देखिए, हमारा मिर्ची का अचार कितना अच्छा और टेस्टी दिख रहा है, देखिए कलर कितना अच्छा आया है। तो अचार को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लास जार ले लिया, उसको अच्छे से धो लिया है और पानी को सुखा लिया है। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। और आप इस अचार को फ्रिज में रखिएगा, बाहर नहीं रखना है, क्योंकि हमने इसमें कम तेल यूज किया है। और अगर आपको बाहर रखना है तो आप इसमें आधा कप सरसों का तेल गर्म करके और फिर उसे ठंडा करके और डाल दीजिए और फिर आप इसको बाहर रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे और तेल नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसको फ्रिज में रखने वाली हूँ। तो ये लीजिए, हमारा झटपट और चटपटा मिर्ची का अचार एकदम तैयार है। और आप इसको अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए और इस मिर्च के अचार के साथ किसी भी सिंपल खाने को टेस्टी और चटपटा बनाइए। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी।